मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। टुडे वी आर डिस्कसिंग इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डोज प्रिंसिपल, रिकार्डो डॉक्ट्रिन, कंपैरेटिव कॉस्ट डॉक्ट्रिन, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। रिकार्डो ने अपना तुलनात्मक लागत सिद्धांत 1817 में प्रस्तुत किया। इनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस सिद्धांत की इन्होंने विस्तृत व्याख्या की और इन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस स्थिति में भी होता है जब तुलनात्मक लागत की दृष्टि से दो देशों में से किसी एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लागत लाभ अधिक हो और दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक हानि कम हो। तब भी अगर वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार करेंगे तो दोनों देशों को लाभ होगा। रिकार्डो का यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है कि इन्होंने श्रम को एकमात्र उत्पादन के साधन के रूप में लिया है और ये माना कि श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती है। इसी तरह श्रम बाजार में इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति की मान्यता ली, जिससे सभी जगह श्रम की कीमत समान रहती है। नेक्स्ट मान्यता ली कि देश के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है, लेकिन देश के बाहर इसकी गतिशीलता निर्बाध नहीं होती है। रिकार्डो का सिद्धांत केवल स्थिर लागत विश्लेषण के अंदर काम करता है। इसी तरह इन्होंने ये माना कि स्वतंत्र व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, सभी देश आराम से बिना किसी बाधा के स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। रिकार्डो के सिद्धांत के अंतर्गत हम उसको निम्नलिखित तालिका से, इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए कि इन्होंने लागत को श्रम घंटों के रूप में लिया है। एक इकाई की श्रम लागत कितनी श्रम घंटों के अंतर्गत है। दो देश पुर्तगाल और इंग्लैंड लिए हैं, दो वस्तुएं शराब और कपड़ा लिया है। पुर्तगाल के अंदर एक इकाई शराब उत्पादित होती है 80 श्रम घंटों में, कपड़ा उत्पादित होता है 90 श्रम घंटों में। इंग्लैंड में शराब की उसी इकाई को उत्पादित करने के लिए 120 श्रम घंटों की जरूरत होती है और कपड़े के लिए 100 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर आंतरिक व्यापार की शर्तें निर्धारित हुई है, जो हो गई 1W = 0.88C, यानी एक इकाई शराब 0.88C के बराबर कपड़े के बराबर है। इंग्लैंड में यांत्रिक विनिमय की दर 120:100 या एक इकाई शराब बराबर 1.2 कपड़े की इकाई के बराबर है। इस तरह से ये आंतरिक व्यापार की शर्तें निर्धारित होती है। इसको अधिक व्याख्या करते हुए रिकार्डो ने यह एक्सप्लेन किया कि इसके आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर निर्धारित होती है वो होगी 1W = 0.88C से 1.2C तक। इसके बीच में कहीं भी विनिमय दर निर्धारित हो सकती है और उस स्थिति में दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। अगर पुर्तगाल को एक इकाई शराब के बदले में 0.88C से कुछ भी ज्यादा मिलता है तो उससे लाभ होगा। इसी तरह इंग्लैंड को एक इकाई शराब के बदले में इंग्लैंड 1.2C तक कपड़ा दे सकता है, इससे अगर उसे कम देना पड़ेगा तो उस स्थिति में उसे लाभ होगा। इस चीज की हमने व्याख्या इस डायग्राम द्वारा की है। इसमें ये वाला कर्व, इसको हम जैसे नाम दे दें AB, ये हमने बनाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पुर्तगाल के लिए। इसी तरह AC कर्व है इंग्लैंड के लिए उत्पादन संभावना वक्र, जो इस इनके आंतरिक विनिमय दरों के आधार पर बनाए गए हैं। BC वह अतिरेक है, सरप्लस है,
जिसे दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में जिससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि आखिर ये जो रेंज बताई है उससे विनिमय दर एक्चुअली में कहाँ निर्धारित होगी। ये निर्धारित होगी दोनों देशों की परस्पर मोल भाव करने की शक्ति पर। जो देश इस मामले में ज्यादा सक्षम होगा वह व्यापार की शर्तों को अपने पक्ष में थोड़ा कर सकता है और वो इससे ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। पर यह तय है कि ये दर होने की स्थिति में या ऐसी स्थिति में जब तुलनात्मक लागत लाभ की स्थिति है तब दोनों देश अगर व्यापार करते हैं तो उन दोनों देशों को इस स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अब तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना। आलोचनाएं मुख्यतः उन्हीं मान्यताओं पर आधारित है जो कि रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में ली है। इन्होंने केवल श्रम लागत को शामिल किया जबकि हम जानते हैं उत्पादन का श्रम एकमात्र साधन नहीं है, और भी उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस और सबसे मिलकर उत्पादन की एक इकाई की लागत निर्धारित होती है। इसलिए केवल श्रम लागत को शामिल करना इनकी इसके आधार पर आलोचना की जाती है। इसी तरह श्रम की इकाइयां समरूप नहीं होती, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं होती और इसलिए सब जगह श्रम की कीमत समान नहीं रहती है। स्वतंत्र व्यापार की जो कल्पना की गई है वो अधिकतर व्यवहारिक जगत में पूरी नहीं होती। सभी देश कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं जिनसे स्वतंत्र व्यापार निर्बाध रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। एक चीज और है, इस सारे सिद्धांत में केवल लागत पक्ष पर अर्थात पूर्ति पक्ष पर जोर दिया गया है, मांग पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा की गई है कि किस वस्तु की दूसरे देश में कितनी मांग है इस पर भी व्यापार की शर्तें निर्भर करती है, न कि केवल लागत लाभ पर ही निर्भर होती है। इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं प्रोफेसर ओहलिन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसके लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारा वस्तुओं का सामान्य मूल्य सिद्धांत है जो राष्ट्रीय व्यापार में काम करता है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी काम कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कुछ संशोधन के उपरांत ये सिद्धांत आज भी मान्यता रखता है। वो संशोधन हो सकते हैं कि श्रम लागत के स्थान पर हम मौद्रिक लागत को शामिल करें, पूर्ति पक्ष के साथ साथ मांग पक्ष को भी शामिल करें और केवल समता नियम के अंदर सिद्धांत की व्याख्या नहीं करके उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम का भी बात के अर्थशास्त्रियों ने इसमें समावेश किया, और इन सब सुधारों के उपरांत ये सिद्धांत इस तरह का महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया है जो कि अर्थशास्त्र के अंदर सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। धन्यवाद।